हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्हें अब मैं आमंत्रित करती हूँ। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को उनके उद्बोधन के लिए। आज के इस शुभ दिन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आम सबके प्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम की गरिमा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम से जुड़े केंद्र सरकार के मेरे साथी श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जी, श्री विशेश्वर टुडू जी, स्वास्थ्य मंत्रालय में मेरे सहयोगी मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी यहाँ उपस्थित एवं वर्चुअली जुड़े राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज हिंदुस्तान का यह दिन इतिहास के सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिकल सेल एनेमिया एलिमिनेशन मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। सिकल सेल एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो भारत में खास तौर से आदिवासी जनजाति में पाई जाती है। यह बीमारी देश की जनजातियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। विश्व के बहुत सारे देशों ने इस भयावह बीमारी से मुक्ति पा ली है। भारत सरकार के स्वास्थ्य कल्याण और जनजाति कार्यालय मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काम करके सालों की मेहनत के बाद इस बीमारी को रोकने और खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना तैयार की गई है। यह कार्य योजना के पिछले सरकारों में भी हो सकती थी, लेकिन नीति और इच्छा शक्ति दोनों के अभाव से यह कार्य अभी तक नहीं हुआ था। इस अभियान के तहत देश के 278 जिलों में 0 से 40 वर्ष तक की लगभग 7 करोड़ आदिवासी आबादी का सिकल सेल रोग की टेस्टिंग करके एक स्मार्ट कार्ड देने की योजना है। इसके दो उद्देश्य है। पहला है सिकल सेल से ग्रस्त व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ उपचार मिले। दूसरा, ऐसे दो लोगों को शादी करने से रोका जाए जिससे पैदा होने वाले बच्चे को सिकल सेल रोग का खतरा ना हो। सबका साथ और सबका प्रयास से आने वाले 2 सालों में इस कार्य को पूरा करके हम सिकल सेल ग्रस्त बच्चों के जन्म को रोक सकेंगे। साथ ही सिकल सेल रोगियों के बेहतर स्वास्थ्य उपचार देकर उनके जीवन को स्वास्थ्य एवं खुशहाल बना सकेंगे। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। मैं देश के सभी आदिवासी भाई बहनों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि बच्चों की शादी से पहले आप कुंडली मिलाए या ना मिलाए, किंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको जो स्मार्ट कार्ड दे रहे हैं उसे अनिवार्य रूप से मिलाए और फिर शादी का फैसला करें। आज के दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे। इस कार्ड से प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का आरोग्य बीमा मिलता है। अगर किसी गरीब के घर में कोई बड़ी बीमारी आती है तो वह इस आयुष्मान कार्ड की मदद से ऐसे अस्पताल में इलाज करा सकता है जहां पहले सिर्फ पैसे वाले लोग ही इलाज करा पाते थे। प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना का विस्तार और ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इस लाभ को उठाए, उसके लिए प्रयास करते हुए हम देश के सभी गांव में आयुष्मान ग्राम सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें गांव के लाभार्थियों की सूची को प्रदर्शित करना, वंचित लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाने की जानकारी देना और
इस योजना के तहत आने वाले अस्पतालों की जानकारी प्रदान करना शामिल है। इस आयुष्मान ग्राम सभा की शुरुआत मध्य प्रदेश के 25,000 गांव में आज हो रही है। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसा वरदान है जिससे देश के 60 करोड़ से अधिक लोगों को आरोग्य कवच दिया गया है। आज तक 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। इस योजना के साथ करीब 28,500 अस्पताल जुड़ी है। इस योजना के तहत प्रतिदिन देश के किसी न किसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए लगभग 45,000 से अधिक मरीज दाखिल होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रति मिनट लगभग 30 देशवासी इस योजना से स्वास्थ्य लाभ उठा रहे हैं। इस सभी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस ऐतिहासिक मौके पर देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में लगभग 60,000 से ज़्यादा जगहों से लाखों लोग वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करके देश के लगभग 50,000 से ज़्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को भी जोड़ा गया है। इस मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए देश के लाखों लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी हमें आज के इस कार्यक्रम के बारे में और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो